दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश 50 मार्क्स का मॉडल सेट जो कि बिहार बोर्ड के द्वारा ऑफिशियली लॉन्च किया गया था 2020 के एग्जाम के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बता देते हैं जहां आपको बिहार बोर्ड से रिलेटेड काफ़ी कुछ देखने को मिलेंगे। अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो आप जाइए उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहां आपको जो है मॉडल पेपर 2020 का मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्लास 12th का मिल जाएगा, विवेक क्वेश्चन, गेस क्वेश्चन आपको मिल जाएगा उस एप्लीकेशन पर। आप वहाँ से आराम से उस PDF को पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और वहाँ पर आपको क्यूज़ भी चलता रहता है जिससे आपको कुछ अर्निंग्स भी हो जाएगी जो कि आपको पॉइंट्स में मिल जाएगी, सो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। बाकी एप्लीकेशन काफ़ी अच्छा, आप जाइए एक बार ट्राई करिए, डाउनलोड करिए। लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए एक बार डाउनलोड करके देखिए। तो एग्जाम में जो आपको टाइम मिलेगा इंग्लिश 50 मार्क्स में 1 घंटा 37 मिनट का, और जो है 50 मार्क्स का इसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपके लिए यहाँ पे कुछ निर्देश दिया गया, आप वीडियो को रोक के आराम से इस सारे निर्देश को पढ़ सकते हैं। और हम लोग नीचे चलते हैं तो यहाँ पे आती है सेक्शन ए, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछी जाती है। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, फिर जाके सेक्शन बी में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो हम लोग सेक्शन बी को भी देखेंगे, अभी सेक्शन ए को देखते हैं। यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे का सॉल्यूशन अच्छे से आंसर देखने वाले हैं। सो आराम से इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि जो है ऐसे ही वीडियो और भी आए तो उसका आपको जो है वीडियो मिल जाए। तो यहाँ पे जो है पहला क्वेश्चन से क्या आती है, सबसे पहले यहाँ पे ये देख लेते हैं। 1 से 30 तक यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें से 4 ऑप्शन दिया गया है, कोई एक ऑप्शन सही है। यहाँ पे आपको जो है केवल और 25 क्वेश्चन का जवाब देना है, यानी 30 में से आपको केवल 25 क्वेश्चन का जवाब देना है। अगर आप लोग 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा जो जवाब देते हैं तो वो काट दिया जाएगा। केवल 25 का आप लोग को जवाब देना है इन सारे 30 क्वेश्चन में से। तो यहाँ पे जो है पहला क्वेश्चन हमारे पास आती है, क्या है, वन कैन नॉट लिव डैश फूड। तो यहाँ पे आपको करेक्ट प्रीपोजिशन चूज करना है। तो प्रीपोजिशन में यहाँ पे आप देखिए सोटेबल कौन सा होता है, वन कैन नॉट लिव बाय फूड ये तो नहीं होगा, विथ फूड नहीं होगा, एट फूड नहीं होगा, विदाउट फूड, वन कैन नॉट लिव विदाउट फूड। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगी सही, ऑप्शन डी सही हो जाएगी। दो नंबर क्वेश्चन है, वाटर बॉयल्स कितना डैश 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे राइट प्रीपोजिशन क्या हो जाएगा, करेक्ट प्रीपोजिशन क्या होगा, तो दो का राइट आंसर क्या हो जाएगी, ऑप्शन बी एट 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, तीन नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, ही इज फॉन्ड डैश रीडिंग। तो यहाँ पे तीन का राइट आंसर क्या हो जाएगी, ऑफ, ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगी, वह जो है पढ़ता हुआ पाया गया, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे चार नंबर, आई रिसीव डैश अर्जेंट टेलीफोन कॉल। तो यहाँ पे ये इसमें जो है क्या होगा, वैसे कहीं पे ऑप्शन ए लिखा हुआ था जैसे कि गूगल के, तो उसके बाद जो है यहाँ पे ये जो है श्योर नहीं है इसका आंसर क्या होगा। आप लोग को अगर पता है तो आप लोग नीचे कमेंट करिए चार का आंसर क्या होगा, आप लोग ऐसे कमेंट करिएगा चार का ए चार का बी क्या होगा, आप ऐसे कमेंट करिए। अब जो है पांच नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या है, द लेटर हैव बीन डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। इसको जो है आपको ये जो है आपको पैसिव वॉइस में दिया गया है, आपको एक्टिव वॉइस चूज करना है कि इन चार में से कौन सा सही है, करेक्ट कौन सा है। तो यहाँ पे क्या है, द लेटर हैज बीन डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी पांच का आंसर, सबसे पहले द पोस्टमैन इधर आ गई, और हैव बीन का हो गया हैज, और वी थ्री हो गया डिलीवर्ड, द लेटर यहाँ पे जो सब्जेक्ट था ए साइड इधर आ गई, द लेटर हो गई। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगी, द पोस्टमैन हैज डिलीवर्ड द लेटर। अब देख लेते हैं छह नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला जा रहा है हिज वर्क हैड बीन फिनिश्ड। तो यहाँ पे आपको करेक्ट एक्टिव वॉइस ढूंढना है, ये पैसिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में है, आपको यहाँ पे एक्टिव वॉइस ढूंढना है। तो यहाँ पे राइट आंसर छह का हो जाएगी, ऑप्शन क्या चीज बी हो जाएगी यहाँ पे, ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क। अगला देख लेते हैं सात नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे कौन सा जो है वर्ड मीनिंग जो है वर्ड जो है सही स्पेल्ड है। तो यहाँ पे जो है सात का राइट आंसर हो जाएगी हैमर, जिसका मतलब होता है हथौरा, इसका स्पेलिंग आप याद रखिए, यहाँ पे HAMMER हैमर होता है मतलब हथौरा, ऑप्शन ए सही हो जाएगी। आठ नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, आप आराम से देखते हो चलिए, सारे क्वेश्चन को याद करते हो चलिए, आंसर को लिखते हो कॉपी में चलिए, तभी आपको इस वीडियो से फायदा मिलेगा। आठ नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज पुट ऑफ।
तो पुट ऑफ का जो है इसका फ्रेज का जो है करेक्ट मीनिंग क्या है? तो 8-9 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगी क्या चीज, ऑप्शन सी हो जाएगी, पोस्टपोन, आगे बढ़ा देना। तो अगला जो है 9-9 क्वेश्चन है, यहाँ पे हो गई क्या चीज, ऑप्शन सी राइट हो गई। और 9-9 क्वेश्चन में क्या है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज टेक आफ्टर। तो यहाँ पे 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगी, द रिजेंबल यहाँ पे राइट आंसर, टू रिजेंबल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। अगला यहाँ पे जो है 10-9 क्वेश्चन क्या है, 10-9 क्वेश्चन में बोला जा रहा है टर्न टू द लेफ्ट यू विल रीच द चर्च। यहाँ पे आपको जो है कॉम्बिनेशन यहाँ पे कंबाइन करना है दोनों सेंटेंस को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 10 का आंसर, ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगी, ए तो नहीं होगी, बी भी नहीं, हाँ सी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगी, यू विल रीच द चर्च जस्ट टर्न लेफ्ट, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगी, 10 का ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, जिसमें बोला जा रहा है वी डैश हेल्प द पुअर। तो यहाँ पे वी शुड हेल्प द पुअर, हम लोग को जो है गरीबों की मदद करनी चाहिए, यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना था, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो गई। और फिर 12 नंबर क्वेश्चन, अगली क्वेश्चन जो है 12 नंबर, इसमें क्या बोला जा रहा है रमेश क्राइड, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है, तो राइट आंसर हो जाएगी लाउडली, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 13 नंबर, डैश यू एंड मनी, तो हैव यू एनी मनी, ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगी, 13 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी। अगला यहाँ पे क्या है 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, सीइंग इज क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करनी है, तो राइट आंसर हो जाएगा बिलीविंग। और अगला जो है यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है आई डैश टू अटेंड हर वेडिंग, तो 15 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन सी, आई हैव टू अटेंड हर वेडिंग। अगला यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन है व्हाइल यू वेयर स्लीपिंग आई डैश वर्किंग, तो 16 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन ए, आई वॉज वर्किंग, यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगी 16 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, इसमें है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो यहाँ पे स्पेसिफिक का है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगी, स्पेलिंग आप लोग देख लीजिए आराम से, SPECIFIC स्पेसिफिक, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो गई। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है, देयर इज अ रेलवे लाइन डैश द ब्रिज, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगी क्या चीज, 18 का ऑप्शन ए, ऑन द ब्रिज, ऑप्शन ए हो जाएगी। अगला यहाँ पे जो अब क्या आती है 19 से 30 नंबर क्वेश्चन तक जो है, अभी 18 तक आपको ग्रामर से क्वेश्चन पूछा गया था, अब जो है 19 से 30 नंबर क्वेश्चन तक आपको बुक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वही जो आपको यहाँ पे बताया गया है, तो ये बुक से क्वेश्चन है आपको कुछ 19 नंबर क्वेश्चन में आपको ये लाइन दिया हुआ है, ये कौन से चैप्टर से लिया गया है वो पूछा जा रहा है, डोंट थिंक यू कैन से अनप्लीजेंट थिंग्स अबाउट समवन बिहाइंड हिज बैक एंड नॉट बी फाउंड आउट इज टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है, किस चैप्टर से, चूज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है क्या चीज़, गुड मैनर्स फॉर गेटिंग आवर ऑन सिविलाइजेशन और ऑन लेटर राइटिंग, तो यहाँ पे 19 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन ए, गुड मैनर्स से ये लिया गया है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन आती है क्या है, डैश आर नेसेसरी टू आवर सिविलाइजेशन एज द एयर वेयर ब्रेथ इज टू अस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 20 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑर्डर एंड सेफ्टी, आवर ऑन सिविलाइजेशन का ये जो है हो जाएगी ऑप्शन बी, ऑर्डर एंड सेफ्टी। 21 नंबर क्वेश्चन है क्या है, ऑन लेटर राइटिंग इज रिटेन बाय, तो 21 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन डी, एजी गार्नियर। अगला 22 नंबर क्वेश्चन है फोर ऑफ्ट वैन ऑन माई चर्च आई लाए आई टेकन फ्रॉम, ये जो लाइन है कहाँ से लिया गया था, फोर ऑफ्ट वैन ऑन माई चर्च सॉरी यहाँ पे फोर ऑफ्ट वैन ऑन माई चर्च आई लाए इज टेकन फ्रॉम, किससे लिया गया है, करेक्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे चूज करना है, तो राइट आंसर हो जाएगी यहाँ पे ऑप्शन ए, द डेफोडिल से ये लाइन लिया गया है। अगला क्वेश्चन आती है 23 नंबर क्वेश्चन, जिसमें है वाल्टर डीला मेयर हैज रिटन द पोएम, कौन सा पोएम लिखे थे वाल्टर डीला मेयर, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन ए, इको, ऑप्शन ए सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, यू विल बी ए मैन
माई सन इज टेकन फ्रॉम, ये जो लाइन है कहाँ से ली गई है, किस चैप्टर से, तो राइट आंसर हो जाएगी 24 का क्या चीज, यहाँ पे हाँ ऑप्शन डी हो जाएगी, इफ हो जाएगी यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन, हाउ डज डेविड कैरेक्टर डेवलप थ्रो द नॉवेल, हाउ डज डेविड्स कैरेक्टर डेवलप थ्रू द नॉवेल, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगी 25 का, ऑप्शन यहाँ पे बी हो सकती है, आप लोग वैसे बताइए 25 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी शायद, मुझे जो लगता है ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है, आप लोग वैसे नीचे आप कमेंट करिए। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है, व्हाई डज मिस बिट्सी रिफ्यूज टू एडॉप्ट डेविड व्हेन ही वाज बॉर्न, तो बिट्सी ने जो है डेविड को रखने से मना क्यों किया था, जब जो है लेने से मना क्यों किया था, गोद लेने से जब वो जन्म लिया था, तो क्योंकि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी क्या चीज, सी इज टू पुअर, वह जो है बहुत गरीब थी, राइट आंसर यहाँ पे 26 का सी हो जाएगी। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट कॉजेस डेविड टू बी लॉक्ड इन हिज रूम फॉर 5 डेज, क्या कारण क्या वजह थी जिसके वजह से डेविड को जो है एक रूम में बंद कर उसके रूम में बंद कर दिया गया था 5 दिन के लिए, तो वजह क्या थी, ही बाइट्स मिस्टर मर्डर स्टोन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे राइट आंसर 27 का सी हो गई। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है, एट द एंड ऑफ द नॉवेल डेविड कॉपरफील्ड टू होम इज डेविड मैरिड, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन डी एग्नेस, राइट आंसर 28 का ऑप्शन डी एग्नेस हो जाएगा राइट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन है क्या चीज है, साइगफ्राइड सेशन इज पॉपुलरली नॉन एज, तो किससे, तो 29 का राइट आंसर हो जाएगी क्या चीज, किससे जाना जाता है पॉपुलरली, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा वार पॉइंट से। 30 नंबर क्वेश्चन और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन है, एग्नेस इज डेविड्स डैश वाइफ, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी 30 का ऑप्शन सी, सेकेंड वाइफ थी एग्नेस, तो यहाँ पे सी राइट आंसर हो गई। हम लोग देख लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अब चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर, लेकिन अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर ही दीजिए और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियोस आपको मिलती रहे, और आप नीचे कमेंट करिए किस किस सब्जेक्ट पे आपको और भी वीडियोस चाहिए। तो यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा होगा 75 वर्ड में आपको आंसर देना है किसी दो आंसर यानी टू क्वेश्चंस का, यहाँ पे आपको टोटल जो है 5 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें से आपको 2 का जवाब देना है और हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेगा, मतलब 2 क्वेश्चन का जवाब देना है तो 5 मार्क्स है, 10 नंबर का इस पहला नंबर क्वेश्चन से आपको हो जाएगा, जिसका जवाब आप लोग को अप्रॉक्स हाफ पेज में देना है, एक क्वेश्चन का जवाब हाफ पेज में आप लोग को देना होगा, हाफ पेज कोशिश करिए, अगर एक पेज हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। दो नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे क्या चीज़, आप इसका आराम से जो है अगर इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पे इंग्लिश का ऑलरेडी वीडियो सारे अपलोड है, जिसको अगर आप लोग देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे, और इंग्लिश 50 मार्क्स का आप लोग क्रैश कोर्स ज़रूर कर लीजिएगा, आप यूट्यूब पर ऐसे सर्च करिए क्रैश कोर्स इंग्लिश 50 मार्क्स बाय एजुकेशन बाबा, आपको आराम से वो जो क्रैश कोर्स मिल जाएगा यूट्यूब पे सबसे पहला नंबर पे, आप जाके वो वीडियो देख लीजिए, काफ़ी हेल्पफुल होगा आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में। आगे जो है यहाँ पे दो नंबर क्वेश्चन है, आपको 75 वर्ड में ही जवाब देना है, और यहाँ पे ये पोएम जो दिया हुआ है फ्लोइंग पोएम, कितना पोएम दिया हुआ, 3, इसमें से कोई एक पे आपको जवाब देना है, तो इसके लिए भी आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे, तो इसको कोशिश करिए 1.5 पेज में लिखने का, यहाँ पे वर्ड 75 लिखा हुआ है कोई मतलब नहीं, 1.5 पेज आप लिखिए। और 3 और क्वेश्चन है यहाँ पे, आंसर एनी वन ऑफ द फ्लोइंग इन अबाउट 75 वर्ड, यहाँ पे आपको 3 जो है किससे, डेविड कॉपरफील्ड यानी नॉवेल से जो है आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया गया है, किसी एक को आपको जवाब देना है, सो आप आराम से जो है एक बार डेविड का जो है स्क्रेच पढ़ लीजिए, डेविड कॉपरफील्ड का कैरेक्टर का स्क्रेच पढ़ लीजिए, और उससे जो है आपको आराम से इन 3 क्वेश्चन में से आंसर मिल ही जाएगा, कोई ना कोई एक ऐसा क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, तो ये भी हो गई, इससे भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, 1.5 पेज में अप्रॉक्स इसका भी आंसर लिखिए। 4 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, आपको जो है पैराग्राफ लिखना होगा, इसके बारे में लिखना होगा, मतलब निबंध लिखना होगा, ऐसे लिखना होगा, तो यहाँ पे 4 जो दिया हुआ है, 4 हाँ 4 यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें से किसी एक पे आप लिखिए जिसके लिए आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे, तो यहाँ पे 25 मार्क्स सब्जेक्टिव हो गई, 25 मार्क्स ऑब्जेक्टिव हो गई, तो दोनों को मिला के यहाँ पे 50 मार्क्स कंप्लीट हो गई। तो वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर लीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।